हेलो भाई साहब, सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने ही चैनल टारगेट इन फैंटेसी पर। इस वीडियो में आप देख रहे हैं तेजिंदर टीटन ब्लास्ट का जो आज सेकंड मैच खेला जाने वाला है रात को 12 बजे इंडियन टाइम के अनुसार, उसके मैच प्रीव्यू। तो प्रीव्यू शुरू करने से पहले आपको इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ। देखिए, अगर आपको फाइनल टीम्स चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो आप कैसे ज्वाइन हो सकते हो, आप टेलीग्राम पर जाओ, जाकर वहाँ पर टारगेट इन फैंटेसी लिख के सर्च करो और वहाँ पर आपको 1.4K प्लस सब्सक्राइबर वाला जो चैनल मिलेगी, वो चैनल आपको ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कर लेना है। साथ ही साथ अगर आपको लिंक चाहिए तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिलेगी, तो लिंक में क्लिक करके आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हो। तो देर किस बात की, स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम्स के लिए अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अब मैच की बात करें, देखिए यहाँ पर ब्रैनलारा स्टेडियम पर ये मैच होगा, तीन तरह ट्रॉबा में ये मैच होगा। क्लियर वेदर रहने वाला है, अगर कोई बारिश की चांसेस आए तो हमको टेलीग्राम पर इन्फॉर्म कर देंगे। वैसे भी यहाँ पर वेस्टइंडीज पर क्या होता है कि आइलैंड्स के ऊपर सारे के सारे स्टेडियम रहता है, तो इसलिए यहाँ पर कभी कभी अचानक से बारिश आ जाते हैं। तो ऐसा कोई अगर अपडेट्स आए तो हम आपको जरूर इन्फॉर्म कर दूंगा। एवरेज स्कोर की बात करें, देखिए 88 रहा है, हेड टू रिकॉर्ड्स। अभी तक दो मैच खेला गया है इन दोनों टीम्स के बीच, वहाँ पर दो मैच एलबीजी ने जीता और दो मैच सीसीएल ने हारा। तो अब हम देखेंगे दोनों टीम की प्रॉब्लम प्लेइंग साइज, उसके साथ रिसेंट प्लेयर परफॉर्मेंस कैसा है वो भी हम देखेंगे बैटिंग ऑर्डर के साथ साथ। देखिए सीसीएल की तरफ से यहाँ पर अमीर जंगू ओपनिंग करके दिनेश रामदिन के साथ, नंबर 3 पर आएंगे जेसी बुटान, नंबर 4 पर अकीमल भरेच, 5 नंबर पर आएंगे अखिल कुपर, नंबर 6 पर आएंगे अद्रियन कुपर, नंबर 7 पर ब्रायन चार्ल्स, 8 नंबर पर रमेश ब्रिजलाल, नंबर 9 पर स्टेस्टेक शंकर, नंबर 10 पर सरन लुइस, नंबर 11 पर राकेश महाराज। तो अभी बात करते हैं एलबीजी की। देखिए केरजन ओडले, मार्क डियल ये दोनों ओपनिंग करेंगे, नंबर 3 पर आएंगे टेरेन हाइंस, नंबर 4 पर आएंगे साइबा भटू सिंह, नंबर 5 पर संजय जवाहिर, नंबर 6 पर यानिक कैरिया, नंबर 7 पर जेरोन अल्फ्रेड, 8 नंबर पर आएंगे एंड्रू रामबरन, नंबर 9 पर आएंगे केविन सिर्जू, नंबर 10 पर कियोन आइजैक, नंबर 11 पर डेंजिल एंटोनी। तो अब हम देखेंगे दोनों टीम्स के प्लेयर्स के स्टैट्स, रिसेंट परफॉर्मेंस कैसा है। अमित जंगू की बात करें 27-18 रन, दिनेश रामदिन 26 रन 16 रन, जेसी बुटान 14 रन 14 रन, अकीम अल्वारेज 11 रन 1 रन, अखिल कुपर 19 रन 1 रन, अद्रियन कुपर ने 1 रन बनाया, ब्रायन चार्ल्स 4 रन 0 रन, रमेश ब्रिजल 0 रन, 1-1 करके 2 विकेट निकाले, स्टेस्टेक शंकर 1-1 करके 2 विकेट निकाला, सरन लुइस 0 विकेट 0 रन और 2 विकेट, राकेश महाराज 2 विकेट और 0 विकेट। तो आप एक बार देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर को यहाँ पर मास्ट पी 2 ओवर बॉलिंग मिलेंगे। राकेश महाराज, सरन लुइस, शंकर, ब्रिजलाल, ये हो गई 4। और बाकी बात करें यहाँ पर, देखिए अखिल कुपर और ब्रायन चार्ल्स इन दोनों में से किसी को 2 ओवर मिल सकते हैं। तो एक बार देख लीजिए सीसीएल की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल की टीम पर मस्ट पिक रहने वाला है। अमीर जंगू, दिनेश रामदिन, बुटन, अल्वारेज, कुपर, ये हो गई 5 टॉप बैटिंग ऑप्शन पर। और बॉलिंग की बात करें ब्रिजलाल, शंकर और सरन लुइस, राकेश महाराज, तो ये 8 प्लेयर में से आपको यहाँ पर 4, 5, 6, 7 जितने चॉइस चाहिए आप आपके स्मॉल की टीम पर ले सकते हो। हर एक प्लेयर यहाँ पर आपके लिए बहुत ही अच्छे चॉइस रहने वाले हैं। अब दूसरे टीम के बारे में बात करेंगे, देखिए ओडले यहाँ पर मार्क डियल के साथ ओपनिंग करेंगे। ओपनिंग करते हुए यहाँ पर ओडले ने 4 रन 1 रन किए, मार्क डियल 18 रन 14 रन, 7 पर विकेट लेस रहे लास्ट मैच पर, लेकिन ये हर एक मैच में 2 ओवर बॉलिंग करेंगे, 7 विकेट लेने की चांसेस बहुत है। टेरेंस हंस की बात करें, बहुत ही अच्छे प्लेयर, 7 पर कैप्टनसी और वाइस कैप्टन के लिए भी अच्छे चॉइस, अपने टीम के लिए भी कैप्टनसी कर रहा है। देखिए 11 रन 0 रन, उसके साथ 2 मैच में लगातार विकेट लेस गए, 2 ओवर बॉलिंग डाल के भी, तो मेरे हिसाब से इस मैच में कुछ अच्छा कर सकते हैं। साइबा भटू सिंह 23 रन 0 रन, संजय जवाहिर 26 रन, यानिक स्कारिया 10 रन 1 विकेट, जेरोन अल्फ्रेड की बात करें 8 रन 30 रन और 0-0 करके 2 मैच पर विकेट लेस गए। एंड्रू रामबरन की बात करें 8 रन, उसके साथ 2 विकेट और 0 विकेट। किरण सिरजू अभी तक कोई स्टार्स नहीं मिला इनका। कियोन आइजैक 2 मैच में बॉलिंग करके 1 विकेट और 0 विकेट, लेकिन उससे पहले 2 विकेट भी लिया था और 1 विकेट भी लिया था। डेंजिल एंटोनी विकेट लेस गए। तो अब हम देख लीजिए कौन कौन से प्लेयर यहाँ पर एलबीजी की तरफ से मास्ट भी 2 ओवर बॉलिंग डालने वाले हैं। देखिए मार्क डियल है, यानी करिया है, अल्फ्रेड है, रामबरन है, ये हो गई 4। बाकी यहाँ पर केन आइजैक और डेंजिल एंटोनी दोनों में से कोई 1-2 ओवर डाल सकते हैं, और आपके लिए मेरे हिसाब से केन आइजैक ही 2 ओवर डालेंगे, तो आपके लिए बहुत ही अच्छे पिक्स रहने वाले हैं बॉलिंग सेक्शन पर। तो यहाँ पर देख लीजिए एलबीजी की तरफ से कौन कौन से प्लेयर आपके लिए स्मॉल की टीम पर मस्ट पिक रहने वाला है। मार्क डियल, केजन ओडले, टेरेन हाइंस, भटू सिंह, ये हो गई 4 बैटिंग ऑप्शन पर। और बॉलिंग की बात करें, देखिए अल्फ्रेड, रामबरन, आइजैक एंटोनी, तो ये 4-8 में से आपको 4, 5, 6, 7 जितने चॉइस चाहिए आप आपके स्मॉल की टीम पर रख सकते हो, आपके लिए बहुत ही अच्छे रहने वाला है। और गाइस देखिए, अगर आप 20 टीम लेके ग्रैंड लीग खेल रहे हो तो आपके लिए एक छोटी सी टिप्स हमारी तरफ से रहेगा कि टी10 लीग्स के लिए आपको पहले 11 सेफ प्लेयर्स को चॉइस करना है, और 11 सेफ प्लेयर्स को चॉइस करने के बाद आपको 2 सेफ प्लेयर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन बना देना है, साथ में आपको 2 से 3 डिफरेंशियल पिक्स को चॉइस करना है।
और उसको हर एक टीम पर रोटेशन करते हुए अलग अलग कॉम्बिनेशन बनाना है। साथ में आप जो डिफेंसर पिक्स को चेस करके उनको कैप्टन और वाइस कैप्टन भी बना सकते हो। तो देखिए आप दो तरीके का रिस्क एक टीम पर एट ए टाइम ले सकते हो। जैसे कि देखिए कैप्टन वाइस कैप्टन को रोटेशन करना और प्लेयर्स को रोटेशन करना, मतलब जब आप प्लेयर्स को रोटेशन करोगे तब कैप्टन वाइस कैप्टन को यहाँ पर सेफ रखना चाहिए, जब कैप्टन वाइस कैप्टन रोटेशन करोगे तब आपको प्लेयर्स को सेफ रखना चाहिए। तो ऐसे करके आपको कैलकुलेशन मानते हुए यहाँ पर टीम बनाना पड़ेगा ग्रैंड लीग का। तो देखिए ग्रैंड लीग पर इतना हम क्यों कह रहा है, क्योंकि देखिए अभी ग्रैंड लीग पर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं, तो इसलिए आपके पास जितना ज़्यादा कॉम्बिनेशन जितना ज़्यादा वेरिएशन आपके टीम पर रहेंगे आपको ग्रैंड लीग जीतने की चांसेस उतना ही बढ़ेंगे। अगर कोई यहाँ पर सोच रहा है कि स्मॉल लीग का सेफ टीम लेके आप ग्रैंड लीग पर घुस जाओगे और आसन के साथ विन कर जाओगे तो ये कभी नहीं हो सकता है। अगर स्मॉल लीग की टीम जीत भी गए तो वहाँ पर आपको बहुत सारे लोगों के साथ क्लैश होने वाला है। तो इसलिए हम आपको कह रहा हूँ कि आपको हर एक टीम पर थोड़ा सा डिफरेंशियल जाना है, क्योंकि देखिए स्मॉल लीग पर जो टीम होते हैं वो परसेंटेज के ऊपर होते हैं। हर एक प्लेयर्स के मतलब टीम्स के पास यहाँ पर 70% 80% वाला प्लेयर रहेंगे, लेकिन अगर आप 10% से नीचे वाला प्लेयर्स को चेस करोगे तो वो अगर आपके टीम पर रहे तो आपको वन साइडेड विन करवा सकते हैं अच्छी परफॉर्मेंस दे के। तो फिलहाल ये रहेगा आपके लिए स्मॉल लीग सॉरी यहाँ पर स्टेट्स एनालिसिस की बात। अभी हम ड्रीबल में भी चलते हैं, वहाँ पर हमने एक स्मॉल लीग का डेमो टीम बना के आपको दिखाएंगे, लेकिन वो टीम फाइनल नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलेगी टॉस के बाद हमारे टेलीग्राम चैनल पर। लाइनअप आने के बाद आपको सारे के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे, उसी के साथ स्मॉल लीग के फाइनल टीम्स भी मिलेंगे। साथ में यहाँ पर ग्रैंड लीग के 4 से लेकर 6 कॉम्बिनेशन तक आपको मिल जाएगी, जहाँ से सेशन लेके आप खुद की ग्रैंड लीग का अलग अलग कॉम्बिनेशन अलग अलग वेरिएशंस वाले टीम्स बना सकते हो। तो गाइस देर की बात की, अभी के अभी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए स्मॉल लीग ग्रैंड लीग टीम्स के लिए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी, तो लिंक में क्लिक करके भी आप ज्वाइन हो सकते हो। अगर आप सर्च करना चाहते हो तो टेलीग्राम पर टारगेट विन फैंटेसी लिख के सर्च करो और वहाँ पर ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे ऑफिशियल चैनल को ज्वाइन कर लीजिए 1.4K प्लस स्कोर वाला, तो वहाँ पर आपको टॉस के बाद सारे अपडेट्स मिल जाएगी विथ यहाँ पर टीम्स। तो गाइस देखिए यहाँ पर विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर हमारे टीम पर 2 सेफ ऑप्शन रहेंगे, ए जंगो दिनेश रामदीन। एस जवाहिर आपके लिए उतना अच्छा नहीं रहने वाला है स्पॉन्डिंग के लिए, आप इनको ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो, आपके लिए ग्रैंड लीग पर एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। बैटिंग सिस्टम पर देखिए जैसे बुटन रहेंगे के ओटले और जे अल्फ्रेड, अब इनकी जगह इस बटो सिंह को ट्राई कर सकते हो, क्योंकि देखिए लास्ट सीजन जो खेला था इन्होंने वहाँ पर परफॉर्मेंस अच्छे किया था, लेकिन इस साल थोड़ा ऑफ फॉर्म चल रहा है, तो ये आपके लिए एक डिफरेंशियल पिक्स बन सकते हैं। एक ऊपर ये भी थोड़ा ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते थे पिछले साल, लेकिन इस साल उतना अच्छा नहीं चल रहा है, और ए आलवरेज आपके लिए ग्रैंड लीग पर अच्छे पिक्स बन सकते हैं। बात करें ऑलराउंडर सेक्शन की, मार्क डियल, आर बिजलाल, टी हाइंस, ये 3 टॉप चॉइस हमारे टीम पर रहने वाला है। अगर यहाँ पर विकेट कीपरिंग ऑप्शन पर 2 सेफ ना होता तो हम जरूर यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन पर एस शिवपाल और के सी जगह खेलते तो इनको इनमें से किसी को पिक करता, क्योंकि देखिए T10 लीग्स पर ज़्यादातर आपको ऑलराउंडर स्कोर ही टीम में रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑलराउंडर से आपको दोनों तरफ से पॉइंट देकर जिता सकते हैं, तो इसलिए आपको ऑलराउंडर्स के ऊपर ज़्यादा भरोसा रखना पड़ेगा। अभी बॉलिंग सेक्शन की बात करें, आर महाराज, उसके साथ एस शंकर और के आइजक, ये 3 टॉप चॉइस रहने वाले हैं। आप चाहते हैं यहाँ पर एस शंकर की जगह एस लुइस, रामबरन, एंटोनी और स्केरिया और भाई चार्ल्स, इन 5ों में से किसी को ले सकते हो, बाकी को आप ग्रैंड लीग पर ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर कैप्टन सेफ वाइस कैप्टन चॉइस के बारे में बात करें, मार्क डियल कैप्टन और सेफ वाइस कैप्टन यहाँ पर टी हाइंस। आप चाहते हैं यहाँ पर रामदीन और अमीन जंगू, इन दोनों में से किसी को ट्राई कर सकते हो। जैसे भूटान आपके लिए अच्छे ऑप्शन है और के आइजक को भी आप ट्राई कर सकते हो स्मॉल लीग के लिए। सेफ पर आपको प्रीव्यू दिखा देता हूँ, प्रीव्यू थोड़ा सा ग्रैंड लीग के बारे में डिस्कस कर देंगे। देखिए यहाँ पर दिनेश रामदीन है, अमीर जंगू है विकेट कीपरिंग सेक्शन पर, और बेटर ऑप्शन पर है के ओटले, जैसे भूटान, जे अल्फ्रेड, ये 3 प्लेयर्स। और ऑलराउंडर सेक्शन पर देखिए मार्क डियल, टी हाइंस, आर बिजलाल, और बॉलिंग ऑप्शन पर है एस शंकर, आर महाराज और के आइजक। कैप्टन है हमारा मार्क डियल और टेरन हाइंस। देखिए ग्रैंड लीग पर आप कौन कौन से प्लेयर के साथ जो कैप्टन और वाइस कैप्टन जा सकते हो, जैसे भूटान, रामदीन, के ओटले, ब्रिजलाल, आर महाराज, एस शंकर, तो यहाँ पर हो गए ये 6 प्लेयर्स। आप इनके साथ जरूर ग्रैंड लीग पर जो कैप्टन और वाइस कैप्टन जा सकते हो, और इसके ऑप्शन पर आपके लिए थोड़ा बहुत अच्छा कर जाए तो आपके लिए बहुत ही अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं। तो फिलहाल एरिया आपके लिए स्मॉल लीग का डेमो टीम फाइनल टीम आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, तो आप अभी का भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई यहाँ पर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो यहाँ पर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि आने वाले सारे वीडियो सब तक पहले मिल जाए, और एक अच्छा सा टीम बनाए, अच्छा सा विनिंग कीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलता है अगले वीडियो पर।